जय श्री कृष्ण। आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं थोड़ी नर्वस हूँ और एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि मैं आज पहली बार जन्माष्टमी अपने घर पे मना रही हूँ और ये मेरा पहला ब्लॉग है यूट्यूब पे, तो थोड़ी सी नर्वस हूँ ही। एनीवेज, मैं चाह रही थी कि आज मैं अपने घर में पहली बार जन्माष्टमी मना रही हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैंने कैसे मनाया। चलिए स्टार्ट करते हैं। पति डोर पे फूलों की माला लगाने वाले हैं, इससे हमारे घर से नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी और पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। खाना जी को वैसे ही येलो कलर पसंद है, तो हमने येलो वाले गेंदा फूल लाए हैं, येलो और ऑरेंज का। इसको ऐसे कर देना थोड़ा? हाँ वैसे ही करो, नॉर्मल भी रख सकते हैं या फिर बीच में भी लगा सकते हैं। आई थिंक सो, हाँ ठीक है। सेंटर में नहीं है ना? है सेंटर में, परफेक्ट है। बस उसमें दो तीन सेलो टेप लगा लो, नहीं तो वो निकल जाएगा। हम भी येलो, फूल भी येलो, कान्हा जी के कपड़े भी येलो और सब कुछ येलो थीम है। आज सब ट्विनिंग करेंगे। यस, ट्विनिंग। अरे तुम्हारा बनाना भी येलो है। ओह या, बस आज पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्स है। परफेक्ट। अब चलो कान्हा जी की चौकी लगा लेते हैं। मैं आज यहाँ पे कान्हा जी की चौकी लगाने वाली हूँ। यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, अब मैं उसको अच्छे से डेकोरेट कर लूँगी। अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, वैसे ही आज कान्हा जी का जन्मदिन है और हम उनका बर्थडे मनाएंगे। स्टार्ट करें बोलो, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है कान्हा जी के। खाना जी के लिए मैंने माला लाया है, ये उनका मुकुट है और ये उनकी बांसुरी है और ये उनके प्यारे मोर पंख। तो मैं थोड़ा सा काट लूंगी, सोच रही हूँ बहुत ज्यादा ही बड़ा है। हमेशा याद रखिए, जब भी आप मोर पंख खरीदते हैं ना, तो ये ऐसे लंबा होना चाहिए। बहुत सारे दुकानों में ना ये कट के आता है इतना तक, वो मत लाइएगा, ये पूरा ऐसे लंबा होना चाहिए। ये बाकी कुछ फूल लाए हैं, इसको हम सजा देते हैं चौकी को। और ये कान्हा जी का बेड है, इसमें तो पिलोस भी है और ब्लैंकेट भी है। मुरली बाजी, हाँ मुरली बाजी, हाँ
अब हम खाना बनाना स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम बनाएंगे चावल की खीर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। मैंने यहाँ पे 2 लीटर दूध यूज़ किया है। अब मैं एक पतीले में घी डालूँगी और ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा रोस्ट कर दूँगी। मैंने पाँच मिनट हो गए हैं, इसको निकाल देंगे। फ्लेम मीडियम रख लेंगे। अब हम इसमें दूध डालेंगे। फ्लेम लो कर दिया, दूध डाल दिया। इसे अभी मिला देंगे। इसको हम चलाते रहेंगे बीच बीच में। अभी लगभग 10-15 मिनट लगेंगे इसको पकाने के लिए। तो हम मीडियम फ्लेम में इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम में, तो दूध उतर जाएगा। इसको बीच बीच में चलाते रहिएगा। ये मैं मीडियम फ्लेम में इसको चला रही हूँ। इसके बाद मैं इसको लो फ्लेम में छोड़ दूँगी 5-10 मिनट के लिए। ये देखिए दूध अभी आधा हो चुका है।
चावल भी पक गई है। इसमें मैं अमूल की ये मिठाई में डालूंगी पूरा डब्बा। अमूल की मिठाई में डाल सकते हैं, मिल्क में डाल सकते हैं। ये 200 ग्राम का है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मैं अभी 5-10 मिनट के लिए लो फ्लेम में छोड़ देती हूँ। खीर अब ऑलमोस्ट बन गई है। अब इसमें मैं थोड़ी कार्डमम या इलायची का पाउडर डाल दूंगी। इसको मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी जो मैंने पहले से ही घी में रोस्ट कर लिया था। खीर हमारी बन चुकी है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। ये मेरी खीर रेडी हो गई है। अब मैं इसको थोड़ा सा केसर से गार्निशिंग कर लूँगी। अब हम चलिए पेड़े बना लेते हैं। मैं आज केसर वाले पेड़ा बना रही हूँ जो कान्हा जी को बहुत पसंद है। इसके लिए हम पहले 1 टेबलस्पून घी लेंगे। अब हम इसमें मिल्क मेड डाल देंगे या मिठाई मेड। मैंने 200 ग्राम मिल्क मेड लिया है। मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 2/3 कप अमूल का मिल्क पाउडर डाल दूंगी। आप कोई भी मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और याद रहिए पेड़ा हम लोग पूरा लो फ्लेम में ही बनाएंगे। स्टार्ट से लेके एंड तक मैं पूरा लो फ्लेम में बनाऊंगी इसको। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि कोई भी लम्स ना रहे। चलाते रहिए जब तक ये थिक ना हो जाए।
अच्छे से थिक होना चाहिए। इसमें मैं थोड़े अभी इलायची के पाउडर डाल दूंगी। ये पैन से सेपरेट हो रहा है, मतलब पक गया है अभी। शायद मैंने 10 मिनट ऐसे ही चला दिया। ये हमारा पेड़ा ऑलमोस्ट हो चुका है और मैं इसमें 1 टीस्पून घी डालूंगी। मिक्स कर लूंगी और फिर मैं फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा होने दूंगी। ठंडा जब हो जाएगा तो फिर उसके हम पेड़े निकाल लेंगे। मैं अपने हाथ को घी से ग्रीस कर लूंगी। अब हम पेड़ा बनाएंगे। मैं 1-1 स्कूप निकाल लूंगी। थोड़ा सा गर्म है। अब मैं इसमें 1 पिस्ता बादाम लगा के इसको गार्निश करूंगी। इसको हम हल्का सा प्रेस करेंगे। ये देखिए मेरा पेड़। अब हम बाकी के पेड़े भी बना लेंगे ऐसे ही। हम चलिए पेड़े की पैकिंग कर लेते हैं। अब हम डालमा बनाएंगे और इसके लिए मुझे सब्जी चाहिए होगी। तो मैंने लिया है 1 बैंगन, 1 पम्पकिन, 1 याम, 1 कच्चा केला, 1 आलू और 1 टमाटो। इसको काट लेंगे। देखिए मैंने कैसे अपने पति को सब्जी काटने में लगा दिया है। कुछ तो हेल्प करेंगे ना मेरी? डेफिनेटली, सबसे कल से ही कर रहा हूँ हेल्प। चलो अच्छे से काट दो। ओके माय लेडी बॉस। ये मेरा डालमा के लिए सब्जी रेडी हो गया है। मैंने 1 कप तुअर दाल को सोख करके रखा था।
रोस्ट करके उसका पाउडर बना लूँगी। आज जन्माष्टमी की पूजा है इसलिए आज मैं बिना अनियन और गार्लिक के डालमा बनाने वाली हूँ। इसे थोड़ा जीरा मैं भून लूँगी और उसका पाउडर बना लूँगी और उसको एंड में मसाले की जैसे मैं डाल दूँगी। अब मैं इसका पाउडर बना लूँगी, अच्छे से भून गए हैं। हम डालमा का छोंक लगाएंगे। मैंने ये ले लिया है 1 स्पून घी, 5 फोरन डालेंगे। दो लाल मिर्च, सूखी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा हींग डालेंगे। अब हम इसमें ग्रेटेड अदरक डालेंगे। अब हम इसमें डालमा डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा और नमक डालूंगी। हम इसमें 1 स्पून जीरा पाउडर डाल देंगे जो हमने भून के रखा था। डालमा हमारा हो गया है, अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे। डालमा हमारी बन गई है, अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। डालमा रेडी हो गई है, अब हम पूरी बनाएंगे। मैंने 2 कप आटा लिया है, इसमें मैं 1 स्पून सूजी ऐड करूंगी, थोड़ा सा चीनी डाल दूंगी, थोड़ा सा नमक डालूंगी और थोड़ा सा घी डालूंगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो बना लेंगे।
प्यारे लड्डू गोपाल जी, अब हम इनको पंचामृत से नहलाएंगे। पंचामृत में हम पहले इनको दूध से नहलाएंगे। से नहलाएंगे। अब हम उनको हनी या शहद से नहलाएंगे। अच्छे से मसाज करके नहलाएंगे, जैसे हम लोग इंसान स्क्रब करते हैं ना, वैसे ही हम कान्हा जी को घी और शक्कर से स्क्रब करेंगे। इससे क्या होगा ना, जो घी का वो चिकनापन वो चला जाएगा। वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय नमः। अब हम उनको गंगा जल से स्नान करवाएंगे। अब हम कान्हा जी को और एक पतीले में रखेंगे। हमारा पंचामृत बन चुका है, इसमें हम थोड़े तुलसी के पत्ते डाल देंगे और उसको हम प्रसाद के तौर पे सबको बांटेंगे। आज मेरा पंचामृत बन गया है, इसको मैं सबको प्रसाद में बांटूंगी। लड्डू गोपाल जी को सादे पानी से नहलाएंगे। इनका अभी वो जो घी और ये से चिकना पर गया नहीं है, तो मैं उनको थोड़ा चंदन और हल्दी से उनका स्नान करूँगा। चंदन और हल्दी बहुत पसंद है इनको, मैं अच्छे से घिस के चंदन और हल्दी लगा के उनका स्नान करवाऊंगी। Thank you.
पाने से मनाएंगे। अब हम कान्हा जी का श्रृंगार करेंगे। अब किसी को नजर नहीं लगेगी मेरे लड्डू गोपाल जी को। कान्हा जी का श्रृंगार हो गया। अब हम उनको नए कपड़े पहनाएंगे। मैंने उनके लिए ये नए कपड़े लाए हैं, मैं उनको पहना देती हूँ। तैयार हो गए हैं। अब मैं उनको उनके सिंहासन में बिठा लूंगी। उधर सिंहासन में बिठा लूंगी।
हम भगवान को प्रसाद चढ़ाएंगे, मम्मी उनके लिए पेड़े बनाए हैं और उनका फेवरेट मक्खन और मिश्री। ये मैं अपनी फिलहाल इधर रख देती हूँ, मक्खन और मिश्री इधर रख दूँगी, उनका फेवरेट है। फल मैंने रख दिया है, मेरा पूजा का थाली रेडी हो गया है। मैंने भगवान के सबसे प्रिय तुलसी के पत्ते रखे हैं, चंदन, हल्दी, चंदन, कुमकुम, दिया, फूल, माखन, मिश्री, ये मैंने पांच प्रकार के फल लिए हैं। ये पान का पत्ता लिया है, नारियल है, और मैंने जो खाना बनाया है वो भी उनको हम चढ़ा देंगे। तो चलिए हम पूजा स्टार्ट करते हैं, भगवान जी की पूजा स्टार्ट करते हैं। अब हम कान्हा जी की पूजा स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी पूजा खत्म हो चुकी है, हमने भोग चढ़ा दिया है, अब हम थोड़ी देर बाद हम भी खाना खा लेंगे। हम लोग सुबह से कुछ खाया नहीं, आज हम लोगों ने फास्टिंग किया है, तो अभी हम लोग खाने जा रहे हैं। फिर हम लोग खाना खाने के बाद फिर कान्हा जी खाना भी खा चुके होंगे, फिर हम उनको सुला देंगे, वो थोड़ा रेस्ट लेंगे। तो चलिए हम भी खाना खा लेते हैं। अब भगवान जी की पूजा हो चुकी है, लड्डू गोपाल जी को नींद आ रही होगी, अब हम उनको सिंहासन से निकालेंगे और उनको यहाँ पे बेड पे सुलाएंगे। माला निकाल दूंगी और उनको अच्छे से उनको सुला दूंगी। अब हम कान्हा जी को सुला देंगे, थक गए होंगे। कान्हा जी को दोनों पिलो लगा दूंगी, लोगों की फीडबैक का वेट करूंगी। आप ज़रूर प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन पे फीडबैक दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टाटा, जय श्री कृष्णा।